जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मोहन गार्डन में रामलीला देखने का मौका मिला। उत्तराखंड सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत जो रामलीला है, बहुत ही सुंदर बच्चों ने किरदार निभाया है। तो दोस्तों, आप भी आइए, भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लीजिए और कलाकारों की सराहना कीजिए और उनका उत्साह बढ़ाइए। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको रामलीला। सुमित अधिकारी। अच्छा, क्या रोल कर रहे हो? मैं कृष्णा का। कृष्णा? हाँ। अच्छा, तो ये बीच में है ये रोल? नहीं, शुरुआत में ही है, स्टार्टिंग में। क्या नाम है आपका? सुनील तिवारी। सुनील तिवारी। अच्छा, तो कौन सा रोल कर रहे हो आप? जोगी रावण। जोगी रावण करता। हाँ, जोगी रावण दूसरा साल। जोगी रावण दूसरा साल। दूसरे साल से? और वैसे 11 साल से आप रामलीला में कर रहे हो? परमानेंट। इसी वाली रामलीला में? यही राम। इसकी छाल अवश्य ही उत्तम होगी। हे नाथ, इसे पकड़कर ले आइए। राधा लक्ष्मण सुनो, मैं इस मृग का शिकार करके जाता हूं। तुम बुद्धि बल से विचार कर ओ,
मेरा नाम गौरव डुंगियाल है, मैं पिछले 3 साल से लक्ष्मण का किरदार यहाँ उत्तराखंड रामलीला में निभा रहा हूँ और इस साल भी मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं इस बार लक्ष्मण का किरदार यहाँ रामलीला में निभा रहा हूँ। सभी डायरेक्टर एंड सभी उनके कार्यकर्ताओं से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मेरे को इस साल भी यह बनने का मौका दिया। बी डी पांडे ताऊ जी, हरीश पांडे ताऊ जी एंड मेरे पापा मिस्टर नरेश चंद्र और हारमोनियम वादक डीपी अधिकारी, सभी ने मेरे को बहुत प्रेरित किया इस काम के लिए, तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है आपको रोल करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। आज रामलीला का 7वां दिन है, कल सुष्मिता की नाक कट चुकी है, तो आगे और भी रामलीला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आप भी देख रहे हैं तो जरूर यहाँ आए रामलीला देखने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू। डीजे कुछ पता नहीं, जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। तो मेरा नाम लकी है और इस साल मेरे को पहली बार श्री राम का रोल करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले मैंने 3 साल शत्रुघ्न का किया हुआ है और इस बार डायरेक्ट सीधा राम में इंक्रीमेंट दे दिया। ये सब हुआ सबकी मेहनत और लगन और मेरी लगन की वजह से जो मैं इस रोल के लिए करी थी, और हमारे डायरेक्टर और को डायरेक्टर जो भी, हम उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और हमें बताया कि कैसे किस चीज़ पे क्या ध्यान देना है, कैसे कौन से गाने रखने हैं, तो उससे हमें बहुत मेहनत मिली और वैसे करते करते हम इस रोल के काबिल हो पाए कि आज प्रभु के कारण हम प्रभु की लीला के लिए इस रोल में आज खड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना और लोगों नए नए लोगों को प्रेरित करना कि वो हमारे संस्कृति के बारे में जाने और समझे कि हमारी संस्कृति से रिलेटेड क्या क्या हुआ था, और उनको भी मौका मिले, वो भी आगे मोटिवेट हो कि ऐसे ऐसे रोल कर सके, तो बस इसलिए अच्छा लगता है कि रोल करना, लोग आते हैं मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जय श्री
एक पुजारी तो कितने साल से कर रहे हैं रावण का रोल? 4 साल से। अच्छा, तो रावण का रोल करने में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको डायलॉग याद रहते हैं? बिल्कुल जी, पूरा याद है, पूरा याद। रटे हुए एकदम? एकदम रटे हुए हैं बिल्कुल जी। थोड़ा सा आप करके बताएंगे? थोड़ा सा वो काटे ना कान तेरे और जीते रहे जमाने में, तो टूटे बीस बुझा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी रामलला में आए आप। मैं खेल रहा हूँ हनुमान का रोल और ये कर रहे हैं सुग्रीव जी का, सुग्रीव का रोल करता हूँ, कर रहे हैं हमारे संगत जी का, और वो हमारे विभीषण है। मैं रोल कर रहा हूँ अभी फिलहाल। मेरा नाम नरेश चंद्रा है। मैं विभीषण का रोल, विभीषण का। मेरा नाम पुष्कर चंद्रा है। अच्छा, कितने साल से रोल कर रहे हैं आप? मैं 4-5 साल से रोल कर रहा हूँ इसी वाली रामलीला में। हाँ, राम में भी मैंने रोल किया है, यही सुग्रीव का रोल किया है। कैसा लगता है आपको रामलीला में रोल करना? कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है? काफी संघर्ष में हमने काम किया यहाँ पर। अच्छा, तो आज हमारी विजय हुई है, तो इसलिए हम खुशियां भी मना रहे हैं, रोल भी कर रहे हैं। आपको कितने साल हो गए? तो बहुत साल हो गए, परशुराम का भी करता हूँ, अंगद का भी करता हूँ, इंद्रजीत का भी करता हूँ, बहुत सारे रोल। जहाँ पर परशुराम का भी करता हूँ, जहाँ पे कोई रोल नहीं होता वहाँ पे मैं फिट रहता हूँ। ऑलराउंडर हो? ऑलराउंडर, कहीं पर मेरी एक्टिंग देख लेना, कमी लगे मेरे को बताना, और उसके बाद मैं और ज्यादा और कर लूंगा। वीडियो भेजूंगा। आपको कितने साल हो गए? मैं मेरी पहली रामलीला है यहाँ पर, मैं गोले डेरी से आया हूँ। कौन कौन से रोल कर लिए? अभी एक कौशल्या का कर लिया है, बाकी विभीषण का है और बाकी सुलोचना का है। तो आपको कैसा लग रहा है रामलीला में काम करते? बढ़िया लग रहा है। काफी सपोर्टिव लोग हैं सारे के सारे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, मैं लोकगाय चंद्र प्रकार का आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका मोहन गार्डन रामला सांस्कृतिक मंडल की तरफ से आप लोग हमारी रामला में आए और आपने शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने साल से गाना गा रहे हो? मैं अभी गाना तो 4-5 साल से गा रहा हूँ, उससे पहले रामलीला राम मंच से मैं उठा हुआ कलाकार हूँ। इसी मोहन गार्डन की वजह से आज पद पे हूँ, जहाँ पहुँचता हुआ मोहन गार्डन रामला की वजह से आज हूँ। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमस्कार, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संगीता अधिकारी है। आप क्या क्या करते हो? बस कुछ नहीं, बच्चों के साथ ऐसे चल रहा है हमारा। बच्चों को तैयार करते हो? बच्चों को तैयार, डांस वगैरह सिखाया है थोड़ा। अच्छा, डांस सिखाते हो, डांस टीचर हो आप? बस पूरन सिंह अधिकारी जितना लोग हैं हमारे, सबको मिल के सिखाया है। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया डांस किया था बच्चों ने। थैंक यू। और बच्चे बहुत अच्छे सजा रखे हैं आपने, साड़ी वाड़ी पहना के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कितने साल से सजा रहे हो आपके? मैं तो जब फर्स्ट टाइम आई थी डांस करती थी। अच्छा, स्टेज पे डांस करते थे? सीता जी नमस्कार, आप कितने साल से रोल कर रही हैं? मैं अभी फ्रेशर हूँ यहाँ पर, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम? अभी फर्स्ट टाइम। मैंने देखा था, बहुत अच्छा रोल कर रहे हो आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीता का? हमको भी बहुत अच्छा लगा, आप इतनी दूर से यहाँ पर देखने के लिए आए, ऐसे ही रोज आइएगा आप,
तो हमको भी बहुत अच्छा लग गया यहाँ पे। रामलीला का बहुत शौक है मुझे भी जी। और कलाकार बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड की रामलीला बहुत अच्छी होती है। हाँ वो तो है ना। वो तो है। भीड़ को देख के अंदाजा लग रहा है कि कितना लोगों को पसंद आ रही है। हाँ ये तो है। तो कैसा लग रहा है आपको किरदार निभाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन ठीक लग रहा है। मतलब पहले थोड़ा डर महसूस हो रहा था लेकिन कंफर्टेबल है। आप ठीक लग रहा है। आज हरण हो गया है। हाँ, हम अभी लंका में पहुँच गए हैं। आज लंका पहुँच चुके हो? बस इन सब सारे राक्षसों के साथ बैठे हैं। अच्छा ठीक है जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमें। ऐसे ही रोज आइएगा आप। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओके ठीक है जी। जय श्री राम। जय श्री राम भैया जी। क्या नाम है जी आपका भैया? गिरीश पंत। गिरीश पंत। अच्छा तो आपने तबले का काम संभाला हुआ था? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा तबला बजा रहे थे। कितने साल से बजा रहे हो आप? 10 साल से करीब। 10 साल से? इसी वाली रामलीला में? हाँ इसी में। तो ये रामलीला कितने साल से हो रही है? ये 11वीं रामलीला है। 11वीं है। और इसका मतलब आप शुरू से ही जुड़े हुए हो? शुरू से ही है ना। 10 साल से आप बजा रहे हो और 11 साल रामलीला को है शुरू से जुड़े हो। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? नहीं अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे काफी लोग आते जुड़े रहते हैं। हमारे भाई बहन लोग आते हैं और सब जुड़े रहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? मैंने विजय फुलारा। दोबारा बताना। विजय फुलारा। हाँ। अच्छा मैंने सुपर्णिका का किरदार किया था यहाँ पर। अच्छा। 2 साल से किया है। 2 साल से। हाँ। तो सुपर्णिका का किरदार तो थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा टफ होता है। फिर मैंने जो जाता है डांस भी फिर डांस थोड़ा सही बहुत अच्छा किया था इन्होंने। अच्छा तो डांस पूरा डांस बेसिकली मेरा डांस पूरा कवर है। डांस कर लेता हूँ। डांस कर लेते हो? और मैंने सुना आप सारे रोल कर लेते हो। बड़े रोल भी पिछली बार मैंने कुंभकर्ण का भी किया था। अच्छा। और रोल भी किए थे। आप ऑलराउंडर हो एक्सपर्ट कर लेते हैं। मुझसे ज़्यादातर रोल कर लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। वीडियो भेजूंगा मैं। उत्तराखंड की रामलीला को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। हुकुम सिंह अधिकारी। तो आप कौन सा रोल करने जा रहे हो? मंदोदरी का। मंदोदरी का? हाँ जी। तो कितने साल से रोल कर रहे हो आप? रोल 2 साल से। मंदोदरी का ही? हाँ जी। इसी वाली रामलीला में?
हाँ यही राम है। अच्छा तो मंदोदरी का रोल करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस अच्छा है, अच्छा करेंगे और आगे भी। और अच्छा और आगे, चलिए ठीक है। उत्तराखंड की रामलीला को आप ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी रक्षा करता हूँ हे सुग्रीव, अब तुम्हें कार्य करो, तुम जाकर बाली को का ख्याल रखा है। नाम राजकमल पांडे है। अभी आपने देखा रिया जोशी उत्तराखंड पर्वतीय विकास समिति का अध्यक्ष रहा हूँ उत्तराखंड में। उसके बाद हमने रामलीला की शुरुआत कराई। रामलीला का इतिहास 2013 में हमारी पहली रामलीला हुई बोल करके बताया, जो लाल पहाड़ पर हुई थी। लगातार हम करते आ रहे हैं अंग्रेजी सभी लोग, छोटे बच्चे भव्य जो रामलीला का आनंद ले रहे हैं, परफॉर्म किया एक ताली उनके नाम बता दो, सारे लोगों के बहुत ही सुंदर माध्यम से हो रहा है। बहुत ही शानदार रामलीला चल रही है, आपने देखा किस तरीके से राम लक्ष्मण सीता उनका अभिनय यहाँ पर, मार्मिक अभिनय यहाँ पर किया जा रहा है। जय जय श्री राम। कुछ रामलीला समिति को लोग राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न सारिका हनुमान परशुराम शिव जी दशरथ रामलीला को इन सभी पात्रों को देखो क्या है। चतुर्थी दिवस अवगत कराया हूँ मैं। जय जय श्री ये चतुर्थी दिवस का है, उनकी काफी शादी है उस रूप ऐसी हमने शुरू करी थी। और इसके बाद जो है हमारी 50 रूपए से। जय श्री राम, जय श्री राम। आप क्या सेवा दे रहे हैं, कितने साल से दे रहे हैं बताइए? मैं 11 साल से सेवा दे रहा हूँ जी। मैं पिछले साल अध्यक्ष था, इस साल मैं कन्वीनर हूँ और बढ़िया चल रहा है सब। सब अपनी अपनी तरफ से लगे हुए हैं। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी सेवाएं देते रहिए। धन्यवाद। रामलीला ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, ऐसे ही आगे बढ़ती रहे।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी रामलीला, कलाकारों का रोल आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।